नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत कोटेचा लाया हूं इस बार राग मेघ। मेघ राग की एक बहुत बढ़िया सी तीन ताल में एक बंदिश जो कि शब्दों के साथ भी है। तो वर्षा की ऋतु में यह मेघ का राग बहुत बढ़िया प्यारा लगेगा, आप अवश्य तैयार कीजिएगा, अच्छा ही लगेगा। तो राग मेघ की मैं ये बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करूं, एक्सप्लेन करूं। इससे पहले राग मेघ क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परिचय दे देता हूं। तो राग मेघ का एक दोहा है, पहले देखिए। धग वर्जित कर दीजिए काफी थाट सुजान, धग वर्जित कर दीजिए काफी थाट सुजान, सपवादी संवादी ते मेघ राग पहचान। तो मेघ राग, और कुछ लोग मेघ मल्हार भी कहते हैं, लेकिन मेघ और मेघ मल्हार में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस भी कुछ विद्वान बताते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो पहले मेघ राग की पूरी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो मेघ राग ओडव ओडव जाति का है, यानी पांच स्वरों वाला राग है। दो स्वर इसमें पूर्णतया वर्जित है और वो है ध और ग। सारे म प नी सा सानी पम रेसा ध और ग कंप्लीटली वर्जित है। और एक विशेषता है इस राग में, आरोह में और अवरोह में दोनों में कोमल निषाद लगता है। नी आरोह में भी नी कोमल लगेगा, अवरोह में भी कोमल लगेगा। आपको अगर याद है तो हमने वृंदावनी सारंग राग किया हुआ है, तो उसमें आरोह में शुद्ध नी लगता है, अवरोह में कोमल नी लगता है। लेकिन इस राग में आरोह में अवरोह में दोनों में कोमल नी लगता है। इसके वादी सा और संवादी प है, लेकिन कुछ विद्वान इसमें म को वादी और सा को संवादी भी मानते हैं। इसका गाने का समय मध्य रात्रि यानी तृतीय प्रहर रात्रि का, कुछ लोग रात्रि का द्वितीय प्रहर भी कहते हैं। और ये राग वर्षा ऋतु में कभी भी गाया बजाया जा सकता है। इसके न्यास के स्वर है सा म और प, ये गंभीर रस वाला राग है। इसका आरोह अवरोह और पकड़ देख लेते हैं। अब मेघ में और मेघ मल्हार में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। मेघ राग में सापवादी संवादी है, लेकिन मेघ मल्हार में मसावादी संवादी है। इसी कारण कुछ लोग मेघ में भी मसावादी संवादी मानते हैं। और मेघ मल्हार में दोनों निषाद का प्रयोग होता है। मेघ मल्हार का एक दोहा मैं आपको सुना देता हूं। जब काफी के थाट में धग सुर दिन हटार मस वादी संवादी ते दोनी मेघ मल्हार। मेघ में और मेघ मल्हार में मेन डिफरेंस यही है कि मेघ राग में आरोह अवरोह में दोनों में कोमल नी लगता है, जबकि मेघ मल्हार में आरोह में शुद्ध नी, अवरोह में कोमल नी। लेकिन इसको एक साथ भी गाया बजाया जाता है, नी नी सा नी नी सा, इस तरह से साथ में भी लिया जाता है। मेघ मल्हार श्रृंगार रस का राग है, मिंड प्रधान राग है, जबकि मेघ राग गंभीर राग है। तो अभी हम कर रहे हैं राग मेघ। तो मेघ राग की एक बंदिश है, बरखा की ऋतु आई अचानक ऐसी चमकत गरजत बरसत। तो ये बंदिश हम पूरी एक एक लाइन करें, उससे पहले मैं उसको ताल के साथ एक बार
बजाकर आपको सुना देता हूँ। तो ये बंदिश हम बजाएंगे 140 बीट्स पर मिनट की स्पीड के तीन ताल, जो कि 16 मात्रा का तीन ताल है उसमें, और हमने स्वर लिया है काली पांच यानी ऐसा। तो पहले सुन लेते हैं फ्लूट पे तीन ताल में ये बंदिश। ये बंदिश सातवीं मात्रा से शुरू होती है। Thank you.
शब्दों में एक बार ताल के साथ सुन लेते हैं। सातवीं मात्रा से शुरू होती है ये बंदिश और इसका अंतरा सम से यानी पहली मात्रा से शुरू होता है। वन टू थ्री फोर। तो देखते हैं अब इसकी एक एक लाइन का नोटेशन का एक्सप्लेनेशन। पहली लाइन है बरखा की ऋतु आई, बरखा की ऋतु आई, पम रे सा रे नी रे पम रे, पम रे सा रे नी रे पम रे। अब इसका थोड़ा वेरिएशन पहली लाइन में पवनी पर ऐसा बरखा की ऋतु आई, पवनी पर ऐसा रे नी रे पम। अब जो दूसरी लाइन है वो चौथी मात्रा से शुरू होती है, सातवीं मात्रा से नहीं। तो पहली लाइन को थोड़ा शॉर्ट करके फिर चौथी से ही दूसरी लाइन शुरू करनी है। बरखा की ऋतु आई अचानक ऐसी चमकत गरजत बरसत, ऐसी चमकत गरजत बरसत। तो दूसरी लाइन का नोटेशन अचानक रे पापा ऐसी चमकत पनी मा परे रे रे गरजत बरसत रे मारे रे नी रे सा, ऐसी चमकत गरजत बरसत पनी मा परे रे 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 मारे रे नी रे सा। फिर ये बंदिश का ही पाठ है, एक तान है रे मा रे रे नी रे सा, सारे नी सा पानी मा पा रे मा, सारे नी सा रे मा पानी सा, नी सा रे मा पानी, नी सा रे मा पा मा रे सा रे नी रे पा मा रे। बरखा की ऋतु आई पम रे सा रे नी रे पम रे। तो ये तान फिर से देख लेते हैं क्या है। सारे नी सा पानी म प रे म सारे, सारे नी सा पानी म प रे म सारे। फिर नीचे से नी सा रे म पानी सा, नी सा रे म पानी, नी सा रे म
पम रे सा रे नी रे पम सारे निजा पानी मा परे मा सारे निजा रे मा पानी सा निजा रे मा पानी निजा रे मा पम रे सारे नी रे पम ऐसी चमकत गरजत बरसत सारे निजा पानी मा परे मा सारे निजा रे मा पानी सा निजा रे मा पानी निजा रे मा बरखा की ऋतु आई। अब इसका जो अंतरा है वो पहली मात्रा से लेकिन ऑफ बीट है तो दूसरी मात्रा से शुरू होगा। करे करे बादर छाए 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 करे करे बादर छाए 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 मरे मामा प मरे सा मरे मामा नी नी प मरे मामा प मरे सा मरे मामा नी नी चमकत चबला चहु और ही चमकत चबला चहु और ही पानी परे रे 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 मरे नी रे सा बरसाए 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 बरखा की बूंद बूंद सा सा नी पा बरसाए नी पा मामा बरसाए नी पा मरे बरसाए रे 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 मामा पापा नी पा मरे बरखा की पमरे सा फिर से बूंद बूंद बरसाए 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 पमरे सा सा नी प मामा नी प मरे रे 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 मामा पापा नी पमरे सारे नी रे पमा बरखा की ऋतु आई पमरे सारे नी रे पमा पमनी परे सारे नी रे पमा बरखा की ऋतु आई। अब इसमें आठ आठ मात्रा की ताने ले लेंगे तो बहुत बढ़िया सा लगेगा। देखिए मैं कुछ ताने आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सम से आठ मात्रा की तान लेंगे। बरखा की ऋतु अब आई इसकी जगह आठ मात्रा की तान लेते हैं तो फिर खा की ऋतु मतलब रे सा रे नी रे पा ये टुकड़ा हमको उठाना पड़ेगा और इसके पहले आठ मात्रा की तान एक एक मात्रा से लेके आठ मात्रा तक तान और आठ मात्रा से आगे मुखड़ा है रे सा रे नी रे पा म तो ये जो म है वहाँ पे सम है तो सम से हम आठ मात्रा की तान उठाते हैं। बरखा की ऋतु रे म रे म प म रे सा रे म प नि सा नि प म रे सा रे नि रे प रे म प म रे सा नि सा रे म प नि प म रे सा रे नि रे प म रे म प नि सा रे सा नि प नि प म रे सा रे नि रे प म रे प म रे सा रे नि रे प रे म प रे म प रे म प नि सा नि प नि प म रे सा रे नि रे म प नि प नि सा नि प नि प म रे सा रे नि रे प म
रे म नि सा रे म रे सा रे सा नि प नि प म रे सा रे नि रे प म रे। यही तान को आप स्लोली स्लोली देखेंगे, स्लोली स्लोली पहले करेंगे तो आ जाएगी, बहुत इजी है। पहली तान देखिए स्लोली, रे म रे म प म रे सा रे म प नि सा नि प म रे सा रे नि रे प म। इस तरह से बाकी सारी ताने पहले स्लोली, बाद में मेन स्पीड में ले लेंगे तो आ जाएगी। अब कुछ ताने ऐसी हैं जो कि मुखड़ा में जो सम आता है, वो सम लेने के बाद पांचवी मात्रा से लेके बारहवीं मात्रा तक की तान लेते हैं, और 13, 14, 15, 16 मात्रा का मुखड़ा ले लेंगे तो कैसे होगा। प म रे सा रे नी रे प म रे। अब यहाँ से तान शुरू होती है पांचवी मात्रा, नी सा रे नी सा रे नी सा रे म प म रे सा नी सा रे नी रे प म रे नी सा रे म प नी सा नी प नी प म रे सा नी सा रे नी रे प म नी सा नी सा रे म रे सा रे म प नी प म रे सा रे नी रे प म रे प म रे सा रे नी रे प म रे नी सा रे म म नी प म सा नी प म रे सा नी सा रे नी रे प म रे रे सा म रे प म नी प सा नी प म रे सा नी सा रे नी रे प म रे रे म रे म म नी प म रे म प म रे सा नी सा रे नी रे प म रे। बरखा की ऋतु आई, देखिए इसमें भी पहली तान, बरखा की ऋतु आई नी सा रे नी सा रे नी सा रे म प म रे सा नी सा रे नी रे प आई। तो इस तरह से ये सब ताने हैं। देखते हैं एक और तान खाली से लेते हैं नौवीं मात्रा से, बरखा की ऋतु आई रे म प रे म प रे म प नि प म रे सा नि सा प नि सा प नि सा प नि सा नि प म रे सा नि सा रे सा रे नि रे प म रे। अब कुछ तान ऐसी है जो पूरे आवर्तन की है या दो आवर्तन ही की है और तिहाई के साथ है, देखते हैं वो तिहाई के साथ वाली तान कैसे लेते हैं। अब ये जो तान है ये खाली से यानी नौवीं मात्रा से लेते हैं, बरखा की ऋतु आई नि सा रे नि सा रे नि सा रे म प म रे सा नि सा रे म प रे म प रे म प नि प म रे सा नि सा प नि सा प नि सा प नि सा नि प म रे सा नि सा नि सा रे नि सा रे नि सा रे म प म रे सा नि सा प नि सा नि प नि प म रे म प म रे प प नि सा नि प नि प म रे म प म रे प प नि सा नि प नि प म रे म प म रे प म रे प म रे सा रे नि रे प म रे। बरखा की ऋतु आई, दूसरी तान, रे सा म रे प म नि प सा नि प म रे सा म रे प म नि प सा नि रे सा नि प म रे सा प म नि प सा नि रे सा म म रे सा नि नि सा सा रे म रे सा रे सा नि प नि सा नि प नि प म सा रे म रे सा रे सा नि प नि सा नि प नि प म सारे मारे सारे सानी पानी सानी पानी पा मरे सारे नी रे पा मरे। बरखा की ऋतु आई, तो ये सारी ताने हैं। राग शुरू करने से पहले, बंदिश शुरू करने से पहले आप अगर 10-15 मिनट आलाप भी कर लें, बंदिश कर लें और इसके बाद इतनी सी ताने कर लें, आपकी एक बढ़िया सी प्रस्तुति तैयार हो जाएगी और आप अपने मित्रों के सामने कहीं ऑडियंस के सामने बजा भी पाएंगे। ये आप अवश्य तैयार करना, बहुत अच्छी प्यारी बंदिश है, वर्षा ऋतु के लिए बहुत उपयुक्त बंदिश है, जरूर तैयार कीजिएगा। ये बंदिश आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को आप अपने सारे म्यूज़िकल फ्रेंड्स के सामने फॉरवर्ड भी कीजिएगा ताकि उनको भी ये सीखने को मिले। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
आपने मुझे देखा सराहा और बहुत सारी कमेंट्स दी, आपका बहुत बहुत आभार।